और रायपुर से एक अहम खबर, जहां 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, और इसके बारे में जानकारी दी गई मौसम विभाग के द्वारा। येलो अलर्ट जारी किया गया सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर और बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमेतरा में अलर्ट जारी किया गया, और मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमेतरा, ये सभी वो जिले हैं जिसमें भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान इसका जाहिर किया गया है और साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। तनु, मौसम विभाग कह रहा है कि येलो अलर्ट है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई 9 जिलों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिनों तक मानसून पे जो है वो ब्रेक लगा था, जिसके बाद कल अचानक दोपहर में फिर मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखने को मिला, और कल दोपहर से ही राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर की अभी की हम बात करें तो अभी भी आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जो है वो जारी है। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना भी जो है वो जताई है। इसके अलावा कई इलाकों में अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त में पिछले 10 साल से अच्छी बारिश का जो है ट्रेंड रहा है, और इस साल भी इसी का अनुमान जो है मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना यह भी है कि मानसून का जो सीजनल कोटा होता है 1050 मिलीमीटर से लेकर 1100 मिलीमीटर, तो ये सीजनल कोटा अगस्त के इस महीने में पूरे होने की संभावना जो है मौसम विभाग जता रहे, क्योंकि इस बार 1 जून से लेकर अभी तक की हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 665 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगस्त के इसी महीने में जो है सीजनल कोटा मानसून का जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी अगर अच्छी बारिश होती है तो छत्तीसगढ़ में हालात जो है बिगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है, मौसम भी सुहाना बना हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट जो है वो देखी गई थी, क्योंकि 2 दिन मानसून में ब्रेक लगा था तो उमस और बेचैनी से लोग थोड़े से परेशान हो गए थे, लेकिन फिर राहत जो है लोगों को अच्छी बारिश की वजह से मिल चुकी है। जी बिल्कुल, और ये उमस से राहत तो दे ही रहा है, लेकिन एक परेशानी जरूर बढ़ सकती है, और 2 दिन के ब्रेक के बाद वापस जब ये रिज्यूम होगा तो सड़कों पर एक बार फिर से पानी भरने की आशंका भी है, और अब देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी क्या तैयारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु।